किसी जमाने में एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया तो उसे पूछा गया कि इस्लाम की किस कदर ने तुझे मुतासर किया, तो वो बोला कि सीरत का सिर्फ एक वाक्या मेरी हिदायत का सबब बन गया। क्या हुआ? कहा मजलसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगी थी, लोगों का हुजूम था। एक शख्स ने अर्ज की, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा कई दिनों से गुम है, मिल नहीं रहा, मिल जाए। कबल इससे कि हुजूर के हाथ उठते और इजाबत के सारे दर खुल जाते, एक शख्स मजलस में मौजूद था, खड़ा हो गया। हुजूर मैं अभी अभी फलां बाग के करीब से गुजर के आया हूँ और मैं इसके बच्चे को जानता हूँ, वहां मैंने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। बाप ने जब सुना कि मेरा बच्चा फलां बाग में है तो उसने दौड़ लगा दी, फरमाए से बुलाओ। बुलाया गया बहुत जल्दी। जी हुजूर आप जानते हैं एक बाप के जज्बात क्या होते हैं। कहा अच्छी तरह आगाह हूं, लेकिन तुम्हें बुलाया है तो बुलाने का भी एक मकसद था। जी हुजूर इरशाद फरमाइए। फरमाया जब बाग जाओ, बच्चों के साथ अपने बच्चे को खेलता हुआ देख लो तो बेटा बेटा कह के आवाजें ना देने लग जाना, जो नाम रखा है उस नाम से पुकार। अर्ज की हुजूर मेरा बेटा है, अगर मैं बेटा कह के पुकारूंगा तो हर्ज भी क्या है? फरमाया तुम कई दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा और तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम भी खेल रहा हो। और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे, इतना मीठा लहजा होगा, तो उसके दिल पे चोट लगेगी, काश आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकार। कहा ये शौक घर जाके पूरा कर ले, कोई लाओ तो सही कायनात में ऐसा। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार करने से रोका गया, ये शरीयत बेजा का मिजाज। गरीब के सामने अपनी दौलत की नमाइश करने से मना किया गया, बल्कि मेरे हुजूर ने यहां तक फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को तकलीफ न दो, या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो और शोरबे की एक प्याली हमसायों के घर भी भेज दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जाविये में खाना पकाओ कि उसके बच्चों तक महक ना पहुंचे। बच्चे बच्चे होते हैं, जिद कर बैठे तो वो मजदूर कैसे जिद पूरी करेगा? उन बिलखते बच्चों के आंसू कौन पूछेगा? वो क्या किसी ने कहा ना, दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से, दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से, गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना।